वेलकम बैक, दिस इज नीरज सिंह पवार फ्रॉम एनएसपी फिटनेस। एंड गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपके सारे ही डाउट सप्लीमेंट से रिलेटेड वो क्लियर करूंगा एंड जो भी आपके सप्लीमेंट रिलेटेड डिटेल है वो बताऊंगा। सो गाइस, आज का मैंने एक टॉपिक उठाया है जिसमें मैं आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे आइसोलेट के बारे में डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा। गाइस, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रोटीन क्या होता है। जितने भी प्रोटीन पाउडर्स, सप्लीमेंट्स, ड्रिंक्स, बार्स, ये सब होते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं। नाउ कम्स टू वे कैसे बनता है। सो गाइज, वे जो है हमारे डेयरी प्रोडक्ट से बनता है। लाइक हम चीज एंड योगर्ट को हम प्रोसेस करते हैं एंड जो उससे लिक्विड निकलता है उसे हम वे बोलते हैं। नाउ कम्स टू वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एंड वे प्रोटीन आइसोलेट। सो गाइज, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ये होता है कि हम जब वो लिक्विड को ड्राई करके प्रोसेस करते हैं तो उसमें 80% प्योर प्रोटीन निकलता है, 20% जो रहता है वो फैट एंड कार्ब्स होता है। सो गाइज, ये होता है हमारा वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। नाउ कम्स टू वे प्रोटीन आइसोलेट। वे प्रोटीन आइसोलेट ये होता है कि जब हम वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को फर्दर प्रोसेस करते जाते हैं नाउ हम क्या होता है, इसमें हमारा 90% प्योर प्रोटीन हो जाता है एंड 10% जो होता है फैट एंड कार्ब्स होता है। सो गाइज, ये जो होता है ये हमारा वे प्रोटीन आइसोलेट होता है। सो मेजर डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, बस माइनर डिफरेंस ये है कि दोनों का प्रोटीन कंटेंट में थोड़ा डिफरेंस है। लाइक वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में 80% प्योर प्रोटीन होता है।